सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10। डियर स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम गोल्डन डेज के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे क्या होता है। तो जब थिंक टैंक ओमेगा को आदेश देता है कि पुस्तक नामक उस सैंडविच को खाइए, तो ओमेगा उसके प्रश्न के जवाब में क्या कहती है, देखिए। ओ नो नो, अरे नहीं नहीं, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेकिन बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा ने सुबह का नाश्ता नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस, मैं तुम्हें यह खाने का आदेश देती हूँ, दिस सैंडविच। आयोटा डवसली, संदेहपूर्वक, ईट इट, इसे खाऊं। ओ कैप्टन, अरे कैप्टन, इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टन टू ईट ए सैंडविच। मुझे पक्का विश्वास है कि इस सैंडविच खाने वाला मंगल ग्रह का प्रथम प्राणी बनना बड़े सम्मान की बात है। आई एम श्योर, बट मुझे यह पक्का विश्वास है, परंतु, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट। लेकिन मैं इतनी अशिष्ट कैसे हो सकती हूँ कि अपने सार्जेंट से पहले खुद इसे खा लूँ। हैंडिंग ऊप द बुक, वह ऊप को पुस्तक थमाती है, एंड सेइंग ब्राइटली, और जोर से कहती है, सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट इट द सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुम्हें इस सैंडविच को खाने का आदेश तुरंत देती हूँ। ऊप मेकिंग ए फेस, चेहरा बनाते हुए, हो लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट। आयोटा एंड ऊप दोनों मिलकर एक साथ सैल्यूटिंग, सलाम करते हुए, फॉर द ग्लैरी ऑफ मार्स, ऊप ऊप मंगल ग्रह के सम्मान या गौरव के लिए। ऊप ऑफ कोर्स, निसंदेह, अनहैप्पीली नाखुश होकर, इमीडिएटली तुरंत, ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वह अपना मुंह पूरा खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओमेगा और आयोटा सांस रोककर उसे देखती हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक्स, वह पुस्तक का एक कोना काटता है, एंड पैंटोमाइम्स चीविंग, और वह चबाने की नकल करता है, एंड स्लोविंग, और निगलने की, विद मेकिंग टेरिबल फेस, अत्यधिक भयानक मुंह बनाते हुए, मैं अत्यधिक भयानक मुंह बनाते हुए चबाने और निकलने का मूक अभिनय करता है। ओमेगा, वेल ऊप, बहुत अच्छे ऊप। आयोटा, वेल ऊप, बहुत अच्छे ऊप। ऊप कफ्स, ऊप घासता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, ओमेगा और आयोटा उसकी पीठ पर जोर से थपकी देती है। थिंक टैंक, व्हाट इट नॉट वाज इट नॉट डिलीशियस, क्या यह स्वादिष्ट नहीं था सार्जेंट ऊप। ऊप कह रहा है सैल्यूटिंग, सलाम करते हुए, दैट इज़ करेक्ट, यह ठीक है सर, श्रीमान, इट वाज नॉट डिलीशियस, यह स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेज डाउन विदाउट वाटर, मुझे नहीं पता कि पृथ्वी के लोग इन सैंडविचों को पानी के बिना कैसे निगलते हैं। दे आर ड्राई एज मार्ट एंड डस्ट, वह तो मंगल ग्रह की धूल के समान सूखे हुए हैं। नूडल, सर सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, श्रीमान श्रीमान, महान व शक्तिशाली थिंक टैंक, आई बैग यू पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ,
बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इन टू माई माइंड अबाउट दोज सैंडविचेज, लेकिन इन सैंडविचों के बारे में मेरे दिमाग में एक तुच्छ सा विचार आया है। थिंक टैंक, इट कैन नॉट बी वर्थ मच, हो सकता है कि यह ज़्यादा काम के न हों, बट गो अहेड, लेकिन फिर भी कहते जाओ। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, हमें अपने तुच्छ से जो भी सूचनाएं हैं उन्हें बताओ। नूडल, वेल सर, ठीक है श्रीमान, आई हैव सीन सर्वाइवर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेज, कि मैंने इन सैंडविचों के बारे में बहुत सी सर्वेक्षण फिल्में देखी हैं। आई नोटिस्ड दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, और मैंने ध्यान से देखा कि पृथ्वी के लोग इन्हें खाते नहीं थे। दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, बल्कि वह तो इन्हें एक संचार के रूप में प्रयोग करते थे। थिंक टैंक, हॉटली, अत्यधिक घमंड से, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला बिंदु था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेज, ये सैंडविच वास्तव में संचार वाले सैंडविच हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं होता। सैल्यूटिंग, सलाम करते हुए, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता है। थिंक टैंक, देयरफॉर, इसलिए, आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, मैं तुम्हें इन्हें सुनने का आदेश देता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि ये पुस्तक सैंडविचेज हैं, तो उसने खाने का आदेश दिया, लेकिन पुस्तक सैंडविच नहीं थी, इसलिए ओमेगा जो था, उस ऊप जो था, सॉरी, उसको ये पुस्तकें जो सैंडविच थे वो अच्छे नहीं लगे। इसलिए नूडल कह रहा है कि सर, मैंने बहुत सी सर्वाइवर फिल्म्स देखी हैं इन पुस्तकों के बारे में, सैंडविचेज के बारे में, तो ये सैंडविच वहाँ पर खाने के लिए नहीं थे, बल्कि कम्युनिकेशन मतलब सुनने के लिए यूज़ में लिए जाते थे। तो थिंक टैंक कह रहा है कि मैं तुम्हें इन्हें सुनने का आदेश देता हूँ। ओमेगा, लिसन टू देम, इन्हें सुने। आयोटा एंड ऊप, आयोटा और ऊप, टू ईच अदर, एक दूसरे से पजल परेशान होते हुए। लिसन टू देम, इन्हें एक दूसरे को सुने। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में पत्थर पड़े हैं। आई सैड, मैंने कहा, लिसन टू देम, इन्हें सुनो। मार्टन्स बो वेरी लो, मंगल ग्रहवासी अत्यधिक नीचे झुकते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, ऐसा ही होगा श्रीमान। दे ईच टेक टू बुक्स फ्रॉम द केस, वे अलमारी से प्रत्येक दो दो पुस्तकें निकाल लेते हैं। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और उन्हें अपने कानों के पास पकड़ते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, और बड़े ध्यानपूर्वक उन्हें सुनते हैं। आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, ओमेगा से फुसफुसाकर कहते हुए, डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। आयोटा, विस्परिंग बैक, पुनः दोबारे फुसफुसाते हुए, नथिंग, कुछ नहीं। डू यू हियर एनीथिंग ओप, ओप, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। ओप, लाउडली, जोर से, नॉट ए थिंग, कुछ भी नहीं। ओमेगा और आयोटा जंप इन फ्राइट, ओमेगा और आयोटा भय से उछल पड़ती हैं। ओमेगा एंड आयोटा, दे लिसन इंटेंटली अगेन, और वे दोबारा इसे ध्यानपूर्वक कान लगाकर सुनती हैं। थिंक टैंक, वेल वेल, अच्छा, रिपोर्ट टू मी, मुझे बताओ, व्हाट डू यू हियर, तुम्हें क्या सुनाई दिया। ओमेगा, नथिंग सर, कुछ भी नहीं श्रीमान। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हम ध्वनि तरंगों की ठीक आवृत्ति पर नहीं हैं। आयोटा, नथिंग सर, कुछ नहीं श्रीमान,
Perhaps the earthlings have sharper ears than we do. शायद पृथ्वी के लोगों के कान हमसे अधिक तेज होते हैं. Dear students, आज हम यहीं तक रीड करेंगे. Thank you very much.